नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेजेएन न्यूज में। उत्तराखंड में आजकल आए दिन नशे के तस्करों को धर दबोचा जा रहा है और अब उधम सिंह नगर के पुलभट्टा पुलिस ने 36 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7,280 रुपए भी बरामद किए हैं और घटना में उसकी बाइक को भी सीज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ NDPS की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलभट्टा थाना पुलिस टीम सिरौली कला क्षेत्र में गश्त कर रही थी, इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि पुलभट्टा निवासी अंग्रेज सिंह बाइक से स्मैक लेकर किच्छा से पुलभट्टा गांव की तरफ आ रहा है। पुलिस ने सिरौली रेलवे फाटक पर घेराबंदी करके अंग्रेज सिंह को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपी के पास से 36 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने आरोपी के पास से स्मैक बेच कर आए हुए 7,280 रुपए भी बरामद किए। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो बहेड़ी से स्मैक लाकर किच्छा में फुटकर में बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलभट्टा थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया कि आरोपी की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस टीम द्वारा पुलभट्टा रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 36 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अंग्रेज सिंह बताया, जो पुलभट्टा का रहने वाला है, जिसके कब्जे से 7,280 रुपये बरामद हुए। जिसने बताया कि उक्त पैसे भी मैं स्मैक बेच के लाया हूँ। इस व्यक्ति की काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी, जिसे कल अवैध स्मैक के साथ बरामद किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जेजेएन में जारी है। देखते रहिए, बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।